हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात करने वाले टॉप 5 बेस्ट बजट स्मार्टफोन के बारे में जो आपको मार्केट में 7000 तक देखने को मिल जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। हमारी लिस्ट का पहला फोन है Redmi 7 जो आपको मार्केट में 7000 तक देखने को मिल जाएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें दिया गया है स्नैपड्रैगन का 632 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो 14 नैनोमीटर पर बेस है। इसकी कैमरा क्वालिटी की बात करें तो इसमें बैक कैमरा को देखने को मिलेगा 2x12 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। 4000 mAh के अंदर बैटरी देखने को मिलेगी जो 10 वोल्ट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। रैम रोम की बात करें तो ये आपको मार्केट में 2x16 से 4x64 तक आप इसको परचेस कर सकते हो। ये बेस्ट बजट स्मार्टफोन है जो मार्केट में आपको इतना सस्ता मिल जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं लिस्ट के दूसरे मोबाइल फोन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के दूसरे मोबाइल फोन के बारे में जो है MI Note 8A जो भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये बेस्ट बजट स्मार्टफोन है जो आपको मार्केट में 6 या 7 हज़ार तक देखने को मिल जाएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें देगा स्नैपड्रैगन का 439 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो 12 नैनोमीटर पर बेस है। इसकी रैम रोम की बात करें तो आपको मार्केट में 2x16 से 4x64 तक आप इसको परचेस कर सकते हो। इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की दमदार बैटरी देखने को मिलेगी जो 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसमें आपको USB टाइप सी भी देखने को मिल जाएगा। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा यानी सेल्फी कैमरा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। ये बेस है Android 9 5 पर। अब हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के तीसरे मोबाइल फ़ोन के बारे में। हमारी लिस्ट का अगला फोन है इन्फिनिक्स Hot 8 जो आपको मार्केट में 7000 तक देखने को मिल जाएगा। ये बेस्ट बजट स्मार्टफोन है जो मार्केट में आपको इतना सस्ता देखने को मिलेगा वो भी नए नए फीचर के साथ। चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें दिया गया है MediaTek का Helio P22 प्रोसेसर जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो बेस है 12 नैनोमीटर पर। इसकी रैम रोम की बात करें तो मार्केट में आपको 2x16 से 4x64 तक आप इसको परचेस कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी की बात करें इसमें आपको बैक कैमरा 13+2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरा यानी फ्रंट कैमरा आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की दमदार देखने बैटरी देखने को मिलेगी जो फास्ट वॉल को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा जो आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के चौथे मोबाइल फ़ोन के बारे में जल्दी से। अब हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के चौथे मोबाइल फ़ोन के बारे में जो इसी कंपनी का है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस। अगर आप बेस्ट डिज़ाइन लेना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल को परचेस कर सकते हो। ये भी एक बेस्ट बजट स्मार्टफोन है जो मार्केट में आपको 7000 तक देखने को मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको देखने को मिलेगा MediaTek का Helio A22 प्रोसेसर जो क्वाइट कोर है जो बेस है 12 नैनोमीटर पर। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो इसमें आपको 3 कैमरे देखने को मिल जाएंगे। एक सेंसर वाला है, बाकी 2 है जो 13+2 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा जैसे आप अच्छी खासी सेल्फी ले पाओगे। इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 3500 mAh की दमदार बैटरी देखने को मिलेगी जो फास्ट वॉल को सपोर्ट नहीं करती है। आप इसको 2x16 से 4x32 तक परचेस कर सकते हो। ये बेस है Android 9 5 पर जो एक बेस्ट बजट स्मार्टफोन है जो मार्केट में आपको बहुत सस्ता है 6 या 7 हज़ार तक देखने को मिल जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के आखिरी फोन के बारे में जल्दी से। अब हम बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के आखिरी फ़ोन के बारे में जो नोकिया का 5.1 प्लस जो आपको मार्केट में 7000 तक देखने को मिल जाएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं इसमें आपको MediaTek का Helio P60 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। रैम रोम की बात करते हैं आपको मार्केट में 3x32 आप इसको 6x64 तक परचेस कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं इसमें आपको बैक कैमरा 16+5 मेगापिक्सल का, सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का, और बैटरी की बात करते हैं बैटरी इसमें आपको 3000 mAh की दमदार बैटरी देखने को मिल जाएगी और ये Android 9 5 पर बेस है। चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, प्लस पास वाला बेल आइकन दबा देना जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, चलिए अगले मिलते हैं अगली वीडियो में।